स्टार्टअप क्लास में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साड़ी से गाउन बनाना। देखिए, इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये इस तरह से बॉर्डर वाली साड़ी है। ये इसका मैं आपको कलियों वाला गाउन बनाना बताऊंगी। देखिए, इसमें मैं आप सबसे पहले अस्तर की कटिंग कर बता रही हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर कट कर लिया है। पहले यहाँ पे आपका जो भी बॉडी मेजरमेंट हो, शोल्डर यदि आपको फुल रखना है तो उसमें आप फुल शोल्डर प्लस सिलाई का मार्जिन का ले लीजिए, और यदि आपको डीप नेक करना है, बैक नेक, तो आप उसमें शोल्डर में 2 इंच कम करके और डीप नेक यहाँ पर आप ले सकते हैं। बॉडी की जो लेंथ है ऊपर टॉप की, वो यहाँ पर 15 इंच से 17 और 18 इंच तक आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 18 इंच ली है क्योंकि मुझे इतनी ही रखना थी इसमें। ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इसके कट कर लिए हैं। ये मैंने अस्तर कट किया है। यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन का भी जितना हमें रखना है 1 से 1.5 इंच वो हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए, मैंने इसके अस्तर का जो घेर है वो भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसे हम 3 तरह से कट कर सकते हैं। आप चाहे तो अम्ब्रेला कट करें, ए लाइन में भी इसे कट कर सकते हैं, और कलियों वाला भी इसे हम कट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे कलियों वाला कट कर लिया है और मैं इसे ज्वाइंट भी कर चुकी हूँ। देखिए, अब मैं आपको इसकी साड़ी के ऊपर कटिंग कलियों वाली कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो साड़ी वाला भाग है इसे हम इस तरह खोल लेंगे। वो सबसे पहले हमने जो ऊपर टॉप की जो कटिंग करी है अस्तर की, वो हम इसकी इस पे रख के और कटिंग कर लेंगे, और आस्तीन भी हम इसकी इसमें से कट कर लेंगे। हमें यहाँ पे जो बॉडी ऊपर टॉप का जो भी हमें यहाँ पे हिस्सा रखना है कलर वाला या जो भी, वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसे ऐसे फोल्ड करके और इसकी कटिंग कर लूंगी। अब इसके बाद में जितना भी यहाँ पर साड़ी का जो घेर बचेगा, साड़ी जो बचेगी उसका हम यहाँ पर घेर बना लेंगे। वो कम से कम 3.5 से 4 मीटर का यहाँ पर हमें घेर मिल जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसकी यहाँ पर इसे रख के और कटिंग कर लूंगी अस्तर पे इस तरह से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके और ये मैंने ऊपर की टॉप को कट कर लिया है साड़ी के कपड़े पर। देखिए, और यहाँ से मैंने इधर वाले भाग से यहाँ पर मैंने इसकी बॉर्डर वाली भाग की मैंने यहाँ पर आस्तीन कट कर ली है। ये भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। ये देखिए, दोनों आस्तीन निकल चुके हैं। अब हमारे पास में ये बचा हुआ साड़ी का जो कपड़ा है इसमें से हमें घेर निकालना है। अब हम टॉप का जो एज इट इज हमें जो करते हैं गले की कटिंग और गले की फिनिशिंग, वो हम इसे इस पर चिपका के या इसे कच्चा करके और इसकी हम ऊपर की गले की फिनिशिंग कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कलियों वाला घेर कट करते बतलाऊंगी। देखिए, ये कम से कम 3.5 से 4 मीटर यहाँ पर हमारे पास साड़ी बची हुई है, इसके हम 2 पीस कर लेंगे। तो ये एक आगे और एक पीछे, दो भागों में ये घेर बनेगा जिसे हमें जॉइंट करने में अच्छा रहेगा। इसे हम अच्छे से घड़ी कर लेंगे और हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी हम इसकी लंबाई काट के और तैयार रख लेंगे। हमें जितनी भी लंबाई होगी उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे स्टिचिंग के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। देखिए, अब मैं इसे 2 पीस में कट कर लूंगी और दोनों पीस की मैं यहाँ पर अलग अलग घड़ियां कर लूंगी। अस्तर भी हमें अलग अलग 2 पार्ट में ही तैयार करना है। मैं इसे 16
कलियों वाला बनाने वाली हूँ। तो हमें इसके ऊपर की भी इस तरह कड़ी करना है कि ये इसके आठ ऊपर के भी हमारे एट फोल्ड हो और इस यहाँ नीचे के भी हमारे एट फोल्ड हमें इस तरह से करना है। ये देखिए कि यहाँ पर आठ कलियां कट हो, ये मैंने इसे एक फोल्ड किया है। फिर मैं इसे डबल और फिर एक बार डबल इस तरह से इसे हम घड़ी करेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे अच्छे से ताकि ये काटने में हमें आसानी रहे। इस तरह मैं इसका भी इस जमा के और घड़ी कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसकी फोल्ड करके इसकी घड़ियां कर रही हूँ। मैंने ये एक फोल्ड किया, इसे बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर हमें जितना सिलाई का मार्जिन छोड़ना है एक से डेढ़ इंच इतना मैं यहाँ पर छोड़ के और फिर दूसरा फोल्ड इस पर करूंगी क्योंकि लास्ट की यहाँ पर दोनों सिलाई के लिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ रही हूँ। ये हो चुकी है हमारे पास में फोर फोल्ड हो गए हैं। इसका मैं अब एक बार और फोल्ड कर दूंगी। देखिए ये हो गए हैं यहाँ पर आठ बार यहाँ पर हमें ये घड़ी मिल चुकी है। अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से जमा लेंगे। मैं यहाँ पे मार्जिन का छोड़ दूंगी ये और ये इसे हम इस तरह मिला लेंगे। जैसा हम इधर कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल हमें सेम जो हमारा दूसरा वाला भाग का कपड़ा है उस पर भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पर हमें ये आठ फोल्ड मिल चुके हैं। ये एक भाग फ्रंट का और एक हम बैक का तैयार कर लेंगे इसी तरह से पिनअप कर देंगे। ये कपड़ा खसकेगा नहीं, वो कटिंग में आसानी रहेगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ कि हम सिंपल सी जो बॉर्डर वाली साड़ी है उसका भी हम यूज कर सकते हैं गाउन बनाने में। ये कलियों वाला यहाँ पर अनारकली वाला गाउन बन जाएगा। अब मैं आपको इसमें मेजरमेंट लगाना बताऊंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। सिर्फ मार्जिन जितना ही हमें यहाँ डेढ़ से एक से डेढ़ इंच हमें यहाँ पर छोड़ना है जो कि साइड की सिलाई में चला जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको लेंथ का हम यहाँ पे नाप ले लेंगे। लेंथ यहाँ पे मुझे रखना है 38 इंचेस और 2 इंच मैं इसमें सिलाई का ऐड करूंगी।
वाला भाग है और ये ऊपर यहाँ से मैं यहाँ पर कमर की कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको वेस्ट के मेजरमेंट बतलाती हूँ। यहाँ पे टोटल वेस्ट हमारी है 52 इंचेस और इसे मैं नंबर ऑफ कली से डिवाइड करूंगी। यहाँ पे टोटल कलियां जो होगी वो 16 होगी, 16 8 आगे और 8 पीछे, 8 फ्रंट में और 8 बैक में। तो नंबर ऑफ टोटल वेस्ट को हम नंबर ऑफ कलियों से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारी कलियां होगी। इतने इंचेस की हमें कट करना है। अब यहाँ पर मैं इन कलियों में 1 इंच प्लस करूंगी सिलाई के लिए, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। हम जितना भी जब भी कोई कली वाला मेजरमेंट लगाएंगे तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अब ये टोटल है यहाँ पर 8 इंचेस। यहाँ पर मैं 8 का मैंने किया है हाफ, 4 इंचेस। अब मुझे यहाँ पर टोटल 4.25 इंच, 4 and 2.5 इंचेस मुझे यहाँ पर तैयार रखना है। देखिए यहाँ पर मैं 4.25 इंच में यहाँ पर तैयार रखूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है 4.25 पर। देखिए हमें ये 20 सेंटर है, 20 सेंटर में हमें यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ पर नीचे से बिल्कुल यहाँ पर इसे टेप को तिरछा रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये निशान से हम यहाँ पर बिल्कुल इसे इस तरह रखेंगे कली के शेप में और इसे हम इस तरह से स्लोप में निशान लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम उधर भी करेंगे। यहाँ से हम ये बिल्कुल नीचे स्लोप ले लेंगे इसका। हम चाहे तो इसे फोल्ड करके भी और निशान लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये कलियों का शेप आ चुका है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे आपको ज्वाइन करना बता देंगे। अब मैं इसे कट करूंगी। ये जो मैंने मार्जिन कर लिया है मैं इसे कट नहीं करूंगी, सिर्फ ऊपर की जो यहाँ पर ये जो वाली कलियां है मैं सिर्फ इसे ही कट करूंगी। नीचे के मैंने 2 लेयर्स को छोड़ दिया है और फिर मैं यहाँ पर कटिंग करूंगी और इधर की भी मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। देखिए ये मैंने इसे कट कर दिया है। ये हमें यहाँ नीचे बिल्कुल पूरा नीचे तक मैंने इसे यहाँ कट नहीं किया है, मैं यहाँ इसे इतने में ही सिलाई लगा के और कलियों का शेप आ जाएगा। और इधर की भी मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए इसी तरह अब मैं इसका जो एक पार्ट और है सेम उसकी भी मैंने इसी तरह घड़ी करी है और इसी तरह निशान लगा के हम उसकी भी कलियां कट कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों हो चुकी हैं। देखिए इसे भी मैंने यहां से कट कर लिया है। ये और यहां ये मैंने मार्जिन का सिर्फ हमें ये 2 लेयर्स छोड़नी है। ये भी कट हो चुकी है। अब मैं इसे किस तरह से ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये इस तरह से हो जाएगी खुलकर।
हमें इसे यहाँ से इस तरह से ये हम यहाँ से इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, जितने भी ये सब ये पास पास में है जो इनकी हम यहाँ पर जॉइंट लगा के और इसे घेर को तैयार कर लेंगे, कलियों वाले घेर को। देखिए इस तरह ये यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में हम इसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि इंटरलॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इस तरह से ये घेर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हो चुकी है। इस तरह हम इसे हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं जॉइंट कर चुकी हूँ इस तरह से ये। अब मैंने यहाँ से इसे जॉइंट करके और यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है ये सिलाई के लिए। देखिए इसमें बिल्कुल एक भी धागा भी नहीं निकलेगा, इंटरलॉकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर जो साइड में साइड की कली रह गई थी वो हम यहाँ पर इसको कली का शेप दे देंगे। यहाँ की जो कली का हमारा शेप रह गया था अब हम उसे शेप दे देंगे। सवा चार रेडी चाहिए। अभी हमें जितना मार्जिन का रखना है वो रख के और हम यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप दे देंगे। ये हमारा एक भाग तैयार हो चुका है। इसी तरह हम इसका एक दूसरा साइड वाला भाग भी हम इसी तरह कलियां जोड़ के और इसे तैयार कर लेंगे। और इसे हमने जो अस्तर कट किया है उसके फ्रंट और बैक दोनों पर हम इसे रख के और ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए अस्तर भी हमने दो भाग में तैयार किया था, अब हम इसे इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। देखिए तो ये इस तरह से और इसका हम ऊपर टॉप को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अब ये मेरी पूरी कुर्ती बनकर और तैयार है। ये देखिए ये मैंने गले की फिनिशिंग कर दी है और ये मैंने यहाँ पर इसकी साइड भी जोड़ दी है और जो यहाँ पर धागे ना निकले उसके लिए भी मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे मैंने साइड की दोनों साइड से अलग यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे का घेर जोड़ के और यहाँ पर मैंने साइड की फिटिंग दे दी है। ये बनकर अब पूरी तरह तैयार है।